पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान ने कहा कि हम लोग बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और हम अमेरिका और यूरोप की तरह अमीर नहीं हैं। हम कोरोना से बचेंगे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। जी हां, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट exclusive.com और मैं हूं कुलदीप शर्मा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चिंता जाहिर की है कि उनके देश की आर्थिक व्यवस्था पहले ही डगमगाई हुई है और उस बीच कोरोना के वायरस ने एक बार फिर से पाकिस्तान को डरा दिया है। तो पाकिस्तान जो है किस तरह कंगाली के दौर पर जा रहा है, उसका एक इशारा जो है टीवी चैनल पर आकर खुद इमरान खान ने कर दिया है। बता दें कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा, एयरपोर्ट पर अब तक 9 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज का पहला केस 26 फरवरी को आया था। हम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इमरान ने कहा कि हमारी हालत अमेरिका और यूरोप जैसी नहीं है। हम एक तरफ कोरोना वायरस से बचने जाएंगे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। इमरान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के जनता से उनके सरकार की सहयोग करने की अपील की है। इमरान ने कहा कि चीन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो इस वजह से वो जीत पाया क्योंकि वहाँ के लोगों ने सरकार का साथ दिया। बता दें कि पाकिस्तान कोरोना से पीड़ितों की संख्या 237 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में एक तरफ कोरोना से और दूसरी पाकिस्तान की जनता का पेट भरना इमरान के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना के मरीजों के कुल 172 केस मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब में 26, खैबर पखनुआ में 16, बलूचिस्तान में 16, गिलगित में 5 और बाल्टिस्तान में 5 और इस्लामाबाद में 2 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों के बाद इमरान खान की चिंताएं बढ़ चुकी है। इमरान खान को दो चीज़ों का डर सताने लगा है, एक तो कोरोना पर नियंत्रण और दूसरा देश की भूखमरी। दोनों ही चिंता में इमरान खान डूब चुके हैं। उन्होंने टीवी चैनल के सामने आकर पूरी जनता से अपील की है तो वहीं इमरान खान ने अब की बार खुलकर ये कह दिया है कि वास्तव में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगा चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।